Hi, this is Godrej Woods and this is a sample flat of 3 BHK that is in phase 1, and let's move, have a tour. Okay, the size of a flat is 2,088. Okay. It's a 3 BHK, 3 toilets flat. Mm-hmm. Once we enter the flat, this is our living and dining area. Living, dining, okay. Yes. The size is? The size is 12 by 26.3. Fit is the size of the living and dining room. Okay. This is our guest room. Entry करते ही पहला guest room आता है हमारे पास. It's attached with washroom and a small balcony. Small balcony. Yeah, it's a guest room. एक बार देख लेता हूँ. Let's move into the balcony. You can see the greenery outside as well. हर एक balcony के बाहर आपको इतनी सारी ग्रीनरी मिलेंगे, आइदर तो बाहर इंटरनल व्यू या बाहर जो गोल्फ कोर्स व्यू. इंटरनल वाले जो फ्लैट आप देख रहे हैं उसका हमारा 4.5 एकर्स का हमारा इंटरनल ओपन गार्डन है. ओके. अगर आप आउटसाइड के फ्लैट भी देखते हैं तो उसके अंदर भी हमारा 25 मीटर का ग्रीन बेल्ट आता है सर, और उसी के आगे अगर आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ फ्लोर पे रह रहे हैं तो यू हैव अ वेरी गुड बर्ड आई व्यू, और सामने ही हमारा 100 एकड़ का गोल्फ कोर्स व्यू है. एक बार वॉशरूम देख लेते हैं. दिस इज द वॉशरूम, दिस इज द सिंक, ये बेसिन रहेगा आपका, ग्लास, लिविंग एंड डाइनिंग. इसके साथ भी बालकनी है. इसके साथ जो आपको बालकनी मिलती है, रनिंग बालकनी. रनिंग बालकनी, ओके. अगर आप ऐसे बात करें वाइड की, ये 4.11 फीट बालकनी वाइड है. ये 4.1 फीट, और अगर हम लाइक 4.11 ऑलमोस्ट 5, ऑलमोस्ट 5, ओके. और अगर हम ऐसे रनिंग में निकल जाते हैं तो 30-32 फीट रनिंग, 30-32 फीट की रनिंग बालकनी रहेगी. घर में सीनियर सिटीजन है, किसी ने नीचे जाने का दिल नहीं कर रहा वॉक करने का, तो यहाँ आराम से कर सकते हैं वॉक करने के लिए. इसके अलावा आपका कोई पार्टी भी चल रहा है तो छोटा पार्टी, छोटा पार्टी कर सकते हैं, तो इजीली आप यहाँ पे सिटिंग एरिया यूज भी कर सकते, यूज कर सकते हैं. काफी बड़ी बालकनी है. इसके बाद हम लोग आते हैं सीधा किचन में. किचन देख लेते हैं. किचन आपको गोदरेज इंटीरियर से डिजाइन होके कस्टमाइज होके मिलते हैं. चिमनी एंड हॉब और आपका मॉड्यूलर किचन गोदरेज इंटीरियर करके देते हैं. गोदरेज इंटीरियर करके साथ ही आपकी यूजुअली बालकनी स्पेस आती है. यहाँ क्या क्या चीज रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा आप जरा बताइए. चिमनी एंड हॉब, चिमनी हॉब रहेगा, मॉड्यूलर किचन, नॉट अ फुली लोडेड किचन. ओके फाइन. ये है आपका फेस वन का फ्लैट. फेस वन का फ्लैट है 3 BHK. वेरी सून गोदरेज वुड्स के अंदर फेस 3 लॉन्च होने जा रहा है. यस, जिसके अंदर साइजेस बहुत बड़े आ रहे हैं. यस, अब जैसा मैं 3 BHK का फ्लैट देख रहे हैं, इसका साइज है 2088. अगर मैं 3 BHK के फ्लैट की बात करता हूँ फेस 3 के अंदर, उसका साइज है 2563 स्क्वायर फीट. 2563. अगर आप इस बालकनी को देखें तो ये 4 फीट बाय 7 फीट के करीब की बात है. 4 बाय 7 की बालकनी है. यूटिलिटी बालकनी. बट अगर मैं यूटिलिटी बालकनी की बात करूं 3 BHK के फेस 3 की, उसका साइज आता है 7 फीट बाय 15 फीट. 7 बाय 15 फीट की बालकनी. अब आप ये देखें कि कितनी बड़ी रनिंग बालकनी मिलती है आपको. आपने कुछ स्टोरेज के सामान रखना है, वॉशिंग मशीन रखना है, कुछ भी रखना है, तो इट्स अ वेरी व्यू स्पेस एंड इट कम्स अप विद अ सर्वेंट रूम. सर्वेंट रूम की बालकनी जो खुलती है वो सीधा यूटिलिटी बालकनी के अंदर ही खुलती है. उसके बाद वो किचन आएगा, किचन के बाद वो सीधा फ्लैट के अंदर आएगा. ओके, दिस इज अ कॉमन बेड, दिस इज अ रूम जिसके अंदर वॉशरूम आपका कॉमन रहेगा. कॉमन रहे जो यूज करेंगे ये बेडरूम एंड द लिविंग वाले. इसकी बालकनी भी कॉमन रहेगी जो रनिंग बालकनी से कनेक्टेड. एग्जैक्टली.
अब एक अच्छा, एसी वगैरह लगी होंगी? हाँ जी, एसीज आपको डेकन के 5 स्टार के रेटिंग के डेकन के 1.5 टन के एसीज रहेंगे। एक्रेलिक एमल्शन पेंट रहेगा वॉल्स के ऊपर। वुडन फ्लोरिंग रहेगी तीनों बेडरूम में। चाहे आप 3 बेडरूम में जा रहे हैं तो 3 बेडरूम में होगी, 4 में जा रहे हैं तो 4 बेडरूम में वुडन फ्लोरिंग रहेगी। वुडन फ्लोरिंग रहेंगे ओके। और एसी भी हर एक रूम में रहेंगे? एसी हर एक रूम में, एसी आपके सारे बेडरूम्स में एंड लिविंग एंड डाइनिंग में भी एसी मिलेगा। लिविंग एंड मीन 3 BHK में अराउंड 5 ACs और समथिंग। अगर हम लोग 3 BHK के फ्लैट की बात करते हैं फेज 3 के, तो तीनों बेडरूम्स के अंदर एक एक एसी एंड 2 ACs आपके लिविंग एंड डाइनिंग, मतलब 5 ACs। 5 ACs विद 3 BHK का फ्लैट, 6 ACs विद 4 BHK के, एंड 5 BHK में 7 ऑफकोर्स। पांचों बेडरूम्स के अंदर, 4-5 बेडरूम्स के अंदर 2 लिविंग एंड डाइनिंग। ओके, ये वाला ये कॉमन वॉशरूम है, वॉशरूम भी देख लेते हैं एक बार। अब ये हमारा फेस वन के फ्लैट का मास्टर बेडरूम, मास्टर बेडरूम और फेस वन का। इसके साइज की बात करूं, इसका साइज मोटा मोटा 12x16 के करीब का साइज है, 15x10 के करीब का साइज है ये। ओके, अलग सेपरेट ड्रेसिंग एरिया आप देख सकते हैं, ड्रेसिंग एरिया इसका अलग ये रहेगा। वाओ ग्रेट, ये मास्टर बेडरूम कहेगा। हाँ, बट अगर मैं 3 BHK के फ्लैट की बात करूंगा जो फेज 3 में हम लोग ला रहे हैं, उसके अंदर आपके पास 2 मास्टर बेडरूम आते हैं जिनका साइज आता है मोटा मोटा 12x17 का। ओके, और उन दोनों के दोनों बेडरूम्स के अंदर आपको सेपरेट ड्रेसिंग एरिया मिलता है। सेपरेट, ओके ओके ग्रेट। 2 मास्टर बेडरूम काफी यूनिक चीज है। दिस इज ए कॉमन वॉशरूम, मींस अटैच वॉशरूम, अटैच वॉशरूम। ओके, अगेन आई एम टेलिंग यू, यू विल गेट दिस स्पेस। ग्रेट, वॉक इन वार्डरोब स्पेस रहेगा आपका, बट ये वार्डरोब इंक्लूड नहीं रहेगा, इंक्लूड नहीं रहेगा। हम आपको स्पेस देंगे, आप उसको कस्टमाइजेशन एज पर योर टेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि आप इंटीरियर डिजाइनर से करवाना। ओके गुड, आप जैसे बता रहे कि 2 मास्टर बेडरूम रहेंगे, 3 BHK, 3 BHK 2 मास्टर बेडरूम एज वेल एज 2 ड्रेसिंग एरिया, दोनों के साथ ड्रेसिंग एरिया आपका अटैच आएगा। एक बेडरूम आपका कॉमन रहेगा। आई रिपीट, 3 बेडरूम फेज 3 के अंदर आप जाते हैं तो दोनों के दोनों बेडरूम का साइज विच इज सिमिलर 12x17। ओके, इसकी जरा बैल्कनी भी देख लेते हैं एक बार। कॉमन बालकनी, कॉमन बैल्कनी जो हमने देख सकते हैं, यस स्पेशियस बालकनी, बहुत ज्यादा स्पेशियस बालकनी है। एंड सामने जैसे आपको ग्रीनरी दिख रही है, एक्चुअल में भी ग्रीनरी ऐसे ही दिखेगी। अभी तो आपके सामने अगर आप ये देख लेंगे बोर्ड्स लगे हैं, कंस्ट्रक्शन चल रही है। वंस वी डिलीवर, ये पूरा का पूरा ओपन हो के आप गैपिंग देख सकते हैं कि एक टावर से दूसरे टावर के बीच में मोटा मोटा कितना गैप आ रहा है। यस, और प्रॉपर सन फेसिंग फ्लैट्स रहेंगे। आप अगर आप यहाँ पे आके देखेंगे तो ये एरिया जो आप देख रहे हैं थ्रू आउट दैट लाइफ टाइम ये ओपन ही रहेगा, ओपन ही रहेगा वुड्स टाइप में, फॉरेस्ट। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, ठीक है, क्वाइट ब्रिलियंट। और जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया कि 3 BHK के साथ हमारे सर्वेंट भी हैं जो कि थर्ड फेज में आकर रहेगा, तो आई बिलीव किचन के साथ उसकी एंट्री होगी, यूटिलिटी वाला सर्वेंट रूम तो आएगा, बिल्कुल बाहर से एंट्री होगी, और सर्वेंट रूम की जो एंट्री खुलेगी सीधा यूटिलिटी बालकनी से, वो सीधा किचन में एंटर होगा, किचन से फिर वो सीधा अपार्टमेंट के अंदर आएगा पूरा क्लीनिंग मोड के। ये नहीं की सर्वेंट भी आपका अंदर ही आ रहा है और सीधा अंदर से घूम के, वो अलग से सेपरेट एंट्री। And that's your call, कि आपको उसको सर्वेंट को परमानेंट रखना या नहीं रखना, या आप उस रूम को कस्टमाइज भी कर सकते हैं स्टोर रूम की तरह। That's your call. तो रूम भी उनके साथ किचन के बाहर रहेगा, बाहर की तरफ यूटिलिटी रूम। बिल्कुल, और वहाँ यूटिलिटी रूम में आप वॉशिंग मशीन वगैरह भी रख सकते हैं, मतलब यूटिलिटी रूम इज लाइक अ सर्वेंट रूम है। मैं आपको यही बता रहा हूँ कि आप चाहे उसको यूटिलिटी कह लीजिए या सर्वेंट रूम कह लीजिए, इट्स वन ऑफ द सेम थिंग। सर्वेंट रूम मतलब मोटा मोटा 8x8 के करीब का साइज रहेगा जिसके साथ वॉशरूम अटैच रहेगा। एज आई सेड, आप चाहे तो उसको सर्वेंट रूम भी, सर्वेंट परमानेंट भी रख सकते हैं, या आप उस रूम को एज अ स्टोर रूम भी यूज कर सकते हैं। कि आपको सर्वेंट को परमानेंट नहीं रखना, आप चाहते हैं कि सर्वेंट आए अपना काम करे जाए, तो आप दोनों चीजें यूज कर सकते हैं।
ओके नाइस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू। अभी हम लोगों ने सैंपल प्लांट देखा है, अब मैं आपको एक बार यहाँ का एक बार फॉरेस्ट विजिट फॉरेस्ट भी देख लीजिए, जो मोटा मोटा हम 25% तक बना चुके हैं। ओके ग्रेट ग्रेट। दिस इज द टावर नंबर वन। टावर नंबर वन के बिल्कुल साथ में टावर नंबर टू है और दिस इज टावर नंबर थ्री। टावर नंबर टू एंड थ्री, ओके, फेज वन ऑफ दिस। टावर नंबर फोर, टावर फोर कॉर्नर वन, फाइव मिडल वन, टावर नंबर सिक्स, टावर नंबर सेवन एंड टावर नंबर एट। ओके, अगर मैं कंस्ट्रक्शन की बात बताऊँ आपको, हम लोगों ने लास्ट ईयर जनवरी में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था इसका 2021 से। आप देख सकते हैं जनवरी 21 से और अभी के बीच में अराउंड लगभग एक साल बताता हूँ, एक साल की आप बोल रहे हैं जिसमें से दो महीने का लॉकडाउन था जब वाइब टू आई थी, एक वो हो गया, उसके बाद आपने देखा होगा एक एनजीटी ने कंस्ट्रक्शन रोकी थी दिवाली के टाइम पे, यहाँ पे एक से सवा महीने कंस्ट्रक्शन वहाँ भी बंद थी। अगर मैं इस पूरी कंस्ट्रक्शन की बात करूँ आपको, मैक्सिमम टू मैक्सिमम ये 10 महीने की कंस्ट्रक्शन है। 10 महीने में इतनी कंस्ट्रक्शन, आप देख सकते हैं 14 फ्लोर 16 फ्लोर 10 फ्लोर 14 फ्लोर ऐसा हमारा कंस्ट्रक्शन स्पेस होगा। और अगर आप पीछे घुमाएंगे कैमरा तो यहाँ पे हमारा आएगा टावर नंबर 9। टावर 9 और ये जो सेल्स ऑफिस आप देख रहे हैं ये भी आने वाले एक महीने बाद ये डिसमेंटल हो जाएगा, यहाँ पे आएगा टावर नंबर 10। टावर 10 यहाँ पे आ जाएगा, बट दोनों टावर में बहुत अच्छा गैप रहेगा एज आई डिस्कस आपसे पहले भी कि टावर नंबर 9 एंड 10 के बीच में हमारा पूल है, पूल विच इज अ पर्सनलाइज्ड पूल फॉर टावर नंबर 9 एंड टावर नंबर 10। ओके, एक बार मैं आपको थोड़ा फॉरेस्ट विजिट करवाता हूँ यहाँ का, लेट्स मूव। आप आइए, सारी बोर्डिंग लगी हुई है, अंदर तेजी से काम चल रहा है, आप देख सकते हैं नेट्स वगैरह भी लगा हुआ है ताकि पूरी प्रिकॉशन के साथ काम चल रहा है। एंड ये लॉन्च काफी बड़ा होने वाला है फॉर द थर्ड फेज ऑफ द गॉडेज। अब देखिए पूरा ग्रीनरी ग्रीनरी है, गार्डन वाइज है, लोग काम कर रहे हैं, सब गार्डन में भी काम हो रहा है अलग अलग तरीके से, सो इट इज वेल मेंटेन प्रोजेक्ट। ये हमारे फॉरेस्ट की एंट्रेंस है, एज आई सेड अर्लियर कि ये पूरा 1 एकड़ के करीब का फॉरेस्ट है, अप्रॉक्सीमेटली 1 एकड़ के करीब का फॉरेस्ट है। अभी हम लोगों ने 30 से 35% इसको बना चुके हैं, जैसे जब पीछे कंस्ट्रक्शन खत्म होती जाएगी इसका फॉरेस्ट काम होता जाएगा। और एज आई सेड ये जो फॉरेस्ट है मदर अर्थ से कनेक्टेड है, इसी के ऊपर हमारा पोडियम बनेगा जो 15 से 20 फीट की हाइट का रहेगा, जो आपको टावर से कनेक्ट करेगा, टावर से कनेक्ट। और पोडियम लेवल पे अलग से हमारे पास पार्क है जिसके अंदर सारी फैसिलिटीज है आपका, लाइक वॉलीबॉल कोर्ट, फिर सॉरी बास्केटबॉल कोर्ट है हमारा, बैडमिंटन कोर्ट है एंड उसी के साथ हमारा टेनिस कोर्ट है एंड मल्टीपल किड्स एक्टिविटीज है, वी हैव आवर इंटरैक्टिव फाउंटेन्स एज वेल इन द सोसाइटी। फाउंटेन, वाओ ब्रिलियंट। अगर मैं फॉरेस्ट की बात करूं तो मोस्टली मेरे पास इसके अंदर 600 ट्रीज है इंक्लूसिव ऑफ फ्रूट ट्रीज एज वेल। आई सेड 1 एकड़ के अंदर मेरे पास 600 पेड़ है इसके अंदर, 600 पेड़। हाँ, आप देख सकते हैं फॉरेस्ट का मजा यहीं पे, आप घर बैठे सोसाइटी में आपकी फॉरेस्ट की मजा, जंगल है, ग्रीनरी है, नथिंग लाइक दैट। अभी इसके अंदर हमारे ट्री हाउसेस भी बनने हैं जिसका चार्म अलग आएगा। आजकल के डेज में जैसे चल रहा है आपको कैंपिंग जाना है, कुछ जाना है, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, एज आई सेड अर्लियर इट्स अ वन स्टॉप शॉप, मेरे पास यहाँ पे हर चीज है। ये देखिए मल्टीपल कैंपिंग एरिया है, कैंपिंग एरिया भी बनाया गया है, एज आई सेड अभी 30% बना है सिर्फ, तो ये मल्टीपल रहेंगे आपके, तो लाइक दैट की एक दो मल्टीपल टेंट बना हुआ है, राइट, टेंट आपको लाना पड़ेगा, टेंट लाना पड़ेगा। ये जस्ट हम लोगों ने एक आपको करके दिखाया, इजिली डीकैथलॉन वगैरह से टेंट मिल जाते हैं, आपको लीजिए बच्चों के साथ फैमिली के साथ एंजॉय करें आप। एरिया रहेंगे हमारे पास यहाँ पे पोडियम लेवल पे एंड ग्राउंड लेवल पे,
अभी एक सिर्फ जस्ट सैंपल के लिए बनाया हुआ है, इसको आप गजीबो कह लीजिए, चाहे पगोलास कह लीजिए, चाहे सिट आउट एरिया कह लीजिए, मल्टीपल वी हैव, मल्टीपल वी हैव। एक बार देख लेते हैं इसको भी। काफी बड़ी एरिया, फॉरेस्ट टाइप। बारबेक्यू सेक्शंस रहेंगे मेरे पास मल्टीपल, यहाँ पे मल्टीपल रहेंगे। अपनी फैमिली के साथ आप आइए, एंजॉय करिए बारबेक्यू में, वेज नॉन वेज आपने जो बनाना है यू कैन एंजॉय विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके अब इसके अंदर क्या आप एयर फ्रेशनेस देखिए, आप बाहर का AQI क्या था, अब यहाँ का AQI देखिए अब क्या है, पूरा ओवर मतलब लग रहा है कि अलग ही दुनिया में आ गए हैं। अभी तो इसका जैसा बिग नहीं, जब इसको हम लोग डिलीवर करेंगे उस टाइम पे आप इसका डेंस देख सकते हैं। अभी तो ये मैं बोलूँ तो एक साल हुआ है, जब इसको हम लोग 2023-24 में डिलीवर करेंगे तब ये फॉरेस्ट और डेंस हो चुका होगा, डेंस हो चुका होगा सीरियसली। अलग अलग फूल के पेड़ भी हैं यहाँ पे, तो काफी अच्छी व्यू है यहाँ। पूरे स्विंग में चल रही है गोदरेज की, आप देख रहे हैं जैसे काफी तेज कंस्ट्रक्शन। हमारे पास यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में कोई दिक्कत नहीं आती, बिकॉज वी आर दी पैन इंडिया डेवलपर, पैन इंडिया। दिल्ली NCR में हम लोग 2010 में आए हैं, बट ओवरऑल मैं कंस्ट्रक्शन की बात करूँ तो सिंस 1990 से, मतलब 1990 से आज 31 साल हो चुके हैं गोदरेज कंस्ट्रक्शन कर रहा है। वी हैव एग्जिस्टेंस इन मुंबई, बैंगलोर, पुणे, अगर आप वहाँ जाएंगे तो आपको गोदरेज ही गोदरेज दिखेगा। लाइक 83-85 प्रोजेक्ट गोदरेज के चल रहे हैं, एज आई सेड कि वी आर द पैन इंडिया डेवलपर, पैन इंडिया, तो डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि पोजेशन डिले होगा, ये होगा, कंस्ट्रक्शन आपके सामने चल रही है, काफी तेज चल रही है, हर चीज देख सकते हैं आप। यस, ये देखिए, लेट द फॉरेस्ट हील यू। ऐसे मेरे पास ना योगा डेक है, अगर आप थोड़ा कैमरा टर्न करेंगे पीछे आप आएंगे तो लाइक दैट में थोड़ा और बड़ा हो जाएगा। ओके, तो वी हैव योगा डेक्स एज वेल इन द फॉरेस्ट एज वेल, फॉरेस्ट एज वेल। अ पार्ट ऑफ दैट मेरे पास सेपरेट एरिया है क्लब के अंदर फॉर योगा रूम, योगा रूम, मतलब पूरा ग्रीनरी में बैठ के, एनवायरमेंट के बीच में बैठ के आप योगा कर रहे हैं। देखिए टावर वाइज अलग अलग टावर्स हैं, अलग अलग टावर्स की अलग अलग कंस्ट्रक्शन चल रही है काफी तेज में।
इज द क्लब में सेल्स गैलरी इनफैक्ट सॉरी। तो ये डिसमेंटल होके आपका हाय वी आर इन गोदरेज वुड्स दैट इज इन सेक्टर 43 नोएडा एंड दिस इज द मास्टर प्लान एंड मास्टर लेआउट ऑफ ऑल दिस गोदरेज प्रॉपर्टी एंड लेट्स हैव द स्टार्ट। This is the green belt to start with. Okay, we are coming up with 11 acres of a land. 11 acres of land, okay. ये जो आप land देख रहे हैं, this is a total 11 acre land. In 11 acre land, we have a 10 towers. Okay. Tower number 1, tower number 2, tower number 3. This is our phase 1. Phase 1 of the project, okay. Which we have launched in the month of March 2021. Okay. Tower number 1 is a 2 BHK, tower number 2 and tower number 3 is a 3 BHK. Okay. Where in the same year we have launched phase 2, okay. Tower number 4, 5, 6, 7 and 8. Okay. Towers in the month of September 2021. Okay. We are coming up with 4 BHKs, 3 BHKs, 2 BHKs. Okay. So in phase 1 and phase 2 we have a 2 BHK, 3 BHK and 4 BHK. That is in the left hand side of the screen, yeah, right? Yeah. But okay, we do not have any flat weather servant room. Okay. So as per the customer's demand, as per the customer's requirement, we are coming up with these two towers, mm-hmm, tower number 9 and tower number 10. Tower 9 and tower 10. Tower 9 and tower 10. 3 BHK plus servant, 4 BHK plus servant and 5 BHK plus servant. You noted down 3 BHK plus servant, 4 BHK plus servant and 5 BHK plus servant. These are the two towers, right? Okay, great. If I talk about the open area, you can see almost 4.5 acres of our land we have an open and green. Hmm. The name of a project is a Godrej Woods. Godrej Woods, yes. The reason we have a 1 acre forest here. In between. Yeah, in between. Which is connected with the Mother Earth. Okay. Mother Earth. Okay. Which means we have nothing here. The trees are connected with the Mother Earth only. Mother the parking Earth. Which we have at the towers and all. Towers and basement on. And the stand. Okay, basement and still is the parking and in between you have got 1 acre of forest. Right. Okay, great. And the project is a podium based project. You can see we do not have any flat on our ground floor. Okay. Our flat starts from the first floor. First floor only. Okay. And in internal, if we go to the garden, you can see there is a podium which connects us to all the towers. All the towers ko aap connect karte hain. Ki tower ki kitni floor hongi? G plus 27 is the height of tower from 1 to 8. 1 to 8. I repeat, G plus 27 is the height of a tower from 1 to 8. 1 to 8 the G plus 27. And okay, the tower number 9 and tower number 10, the height is 34 story. 34 story. Okay. The new launch is happening. These are iconic towers. Iconic towers. Okay. I'll tell you the difference between these two towers and in towers. Okay, tell me. अब एज आई सेड आपको स्टार्टिंग में ही कि इनमें 3 भी था 4 भी था 2 भी था बट किसी में भी सर्वेंट रूम नहीं सर्वेंट रूम एंड जो इनकी आप बालकनीज भी देखेंगे ना ये 5 फीट की बालकनी 5 फीट की बालकनी बट रूम साइजेस आर प्रीटी गुड। अब इसके अंदर क्या था आजकल की रिक्वायरमेंट चल रही है डेली हाइट्स रिक्वायरमेंट क्या रहती है स्पेशियस रूम्स बिग बालकनी स्पेसेस एंड ओपन ओपन स्पेसेस। ओके, अब अगर मैं अपने 3 बेडरूम के फ्लैट की बात करूंगा जो हमारा फेज 3 में आ रहा है उसका साइज है 2563 स्क्वायर फीट 2563 स्क्वायर फीट जो आने वाला है व्हिच इंक्लूड्स योर 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम यूटिलिटी। ओके, चाहे आपको यूटिलिटी कह लीजिए या सर्वेंट रूम कह लीजिए बोथ आर सेम थिंग। ओके, इसके अंदर अगर मैं बालकनी की बात करूं आपकी बालकनी आपको दिख रही होगी इसमें बालकनी इट्स अ डेक। अगर मैं इसकी विड्थ की बात करूंगा वाइड ये देख रहे हैं पार्ट 9.4 फीट वाइड बालकनी वो एंड अगर मैं रनिंग में चलता हूँ इस बालकनी के अंदर तो ये रनिंग में 42.8 फीट रनिंग बहुत ही बड़ा बालकनी। आपका लिविंग स्पेस तो है ही है क्योंकि आजकल लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है कि आई नीड अ लिविंग स्पेस के अंदर ना आई नीड अ सेपरेट स्पेसेस जहाँ पे आई कैन अकोमोडेट माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। यस, इन सपोज आपका 3 BHK का फ्लैट है एंड यू हैव सम फंक्शन इन द फैमिली एंड यू हैव इनवाइटेड 25-30 पैक्स तो इजीली दे कैन सिट हियर मतलब अलग अलग होके दे कैन एंजॉय द प्लेसेस सम पीपल कैन सिट आउटसाइड एंड एंजॉय द व्यू दे कैन हैव ड्रिंक्स व्हाटएवर दे वांट टू। ओके, 9.45 फीट वाइड इट्स ह्यूज। आपने मोस्टली सोसाइटी में देखा होगा लोगों के 10-10 फीट के कमरे होते हैं इस यहाँ पे आपको 9.5 फीट की बालकनी मिलेगी एग्जैक्टली इसी जिसको
4 BHK में हम आ जाते हैं तो 4 BHK में हमारे पास दो टाइप के फ्लैट्स आते हैं. एक टावर नंबर 9 में जो 4 BHK फ्लैट्स हैं उनमें दो साइज, दो फ्लैट, एक टावर नंबर 9 में है, एक टावर नंबर 10 में. दोनों में जो डिफरेंस है मैं आपको बता दूं. टावर नंबर 9 में जो 4 BHK का फ्लैट है उसका साइज है 3131 स्क्वायर फीट फॉर ए 4 BHK प्लस 7. प्लस 7 इसमें क्या है, इसमें 3 बेडरूम जो रहेंगे उनके अंदर आपके वॉशरूम अटैच रहेंगे. 4 बेडरूम जो रहेगा उसका टॉयलेट रहेगा कॉमन विच इज यूज बाय द बेडरूम एंड द लिविंग एरिया भी. ओके ओके ग्रेट. अ पार्ट ऑफ दैट वी हैव अ सर्वेंट रूम इज अटैच्ड विद वॉशरूम. ये हो गया टाइप 1 विच इज 3131. अगर मैं टाइप 2 में जाता हूँ विच इज इन टावर नंबर 10 उसके अंदर आपके चारों के चारों बेडरूम में वॉशरूम अटैच रहेगा. अ पार्ट ऑफ दैट वी हैव अ एक्स्ट्रा पाउडर रूम, ओके, एक्स्ट्रा स्टोरेज स्पेस इन द फ्लैट. अच्छा. एंड द साइज ऑफ दिस फ्लैट इन टावर 10 which is type 2, 3360. 4 BHK plus servant. Yeah. Okay. 4 BHK plus 4 BHK with 4 attached washrooms and supporter room, okay. Servant room with attached washroom. Okay, great. अगर मैं इसमें आपकी इन shower में, इन सब में आपकी utility balcony की भी बात करता हूँ, कम से कम 15 से 18 फीट की आपको रनिंग में utility balcony मिलती है जिसको आप स्टोरेज के लिए, वॉशिंग के लिए एन नंबर ऑफ यूज यू कैन यूज इट. मैं टॉकिंग अबाउट यूटिलिटी बालकनी जो किचन के साथ अटैच होती है, मेन बालकनी. अगर मैं आपको 3 BHK में बताया जैसे 9.5x43 फीट की है और 4 BHK टाइप 1 जो 3131 का साइज है उसके अंदर 44 फीट की रनिंग है. टाइप 2 में 4 BHK में आ जाते हैं तो उसमें ना ये बालकनी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है. जैसा आप यहाँ देख रहे हैं एक पार्ट आता है आपका 26 फीट रनिंग बाय 9 फीट, दूसरा पार्ट आता है 18 फीट बाय 9 फीट. ओके 18 फीट बाय 9 फीट ठीक है. इसके बाद एक बालकनी आपकी गेस्ट रूम की अलग से आ जाती है यहाँ पर सुनती है. बट अब हर तरीके से आप एक चीज नोटिस करेंगे, हमारा कोई भी फ्लैट किसी भी बालकनी को कहीं पर क्लैश नहीं कर रहा, आपकी प्राइवेसी कहीं से हम पर नहीं हो रही. अब ये मेन आप इसका दिस इज अ क्लस्टर प्लान, ये हमारी 3 लिफ्ट्स है और चारों फ्लैट की एंट्री बिल्कुल अलग से है. किसी की भी एंट्री इसके सामने गेट वेट नहीं आ रहा, इंडिपेंडेंटली. अब इसमें क्या है कि टावर आइकॉनिक क्यों है, अब इन जितने भी टावर्स आप देखेंगे ना, इन टावर्स में जो आपकी बालकनी थी ना, इनमें क्या है ये सारी रेलिंग्स जो देखेंगे ना, ये आयरन की या स्टेनलेस स्टील की रहती है पहले वाली की. हाँ. ओके. इसके अंदर आपकी सारी की सारी टफन ग्लास की रेलिंग आएगी. ओके, टफन ग्लास, जिससे आपका व्यू और अच्छा आएगा निकल के, क्योंकि आप ये जो साइज देख रहे हैं ना, ये जो इस तरफ के फ्लैट है, ये सारे के सारे फ्लैट मेरे फेस कर रहे हैं गोल्फ कोर्स. ओके, ये वाली. हाँ, इस तरफ गोल्फ कोर्स है, ग्रीन बेल्ट की तरफ. हाँ, ग्रीन बेल्ट की तरफ, क्योंकि क्या है अगर आप नियर बाय सोसाइटी के हमारे देखेंगे ना, तो वी डू नॉट हैव एनी हाई राइज नहीं है. सिर्फ मेरे नियर बाय अथॉरिटी से प्लॉट है जिनकी कोठियां बननी है यहाँ पे, और कोठियां ऑलमोस्ट बन चुकी है. जिनका फ्लोर एरिया रेशियो की बात करें तो 2.5 फ्लोर है सिर्फ, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर एंड सेकेंड फ्लोर हाफ. ओके ओके ठीक. अब ये तो रही इसके अंदर, अब मैं इसके अंदर अमेनिटीज बताता हूँ. देखिए ये है हमारा मास्टर क्लब हाउस एरिया, जिसका मैं एरिया की बात करूँ तो 40,000-50,000 की क्लब रहेगी. हाँ, बोली इसके अंदर हमारा ये ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर एंड टॉप फ्लोर पे मेरे पास यहाँ रेस्टोरेंट जैसे आप देख पा रहे हैं. ग्राउंड फ्लोर के अंदर इसके अंदर मेरे पास एक है बैंक्वेट, जिसके अंदर इजीली आई कैन अकोमोडेट 60 से 80 ओके. अच्छा ग्रेट. बट इन केस आपका फंक्शन थोड़ा बड़ा होता है, सपोज यू रिक्वायर स्पेस 100 से 150 लोगों के लिए, आप ये वाला हमारा पूल नंबर 1 देख रहे होंगे. पूल नंबर 1 है. ओके. दिस इज द इन्फिनिटी पूल. अच्छा. इसके नीचे मेरा पूरा का पूरा बैंकवेट स्पेस है, बैंकवेट जिसके अंदर इजिली आई कैन अकोमोडेट 150 से 200 लोग उसके नीचे. हाँ. ओके. तो उसके साथ साथ मेरे पास ओपन लॉन भी है. ओपन लॉन है. समबडी वांट्स टू लाइक डू एनी फंक्शन इन अ ओपन लॉन, तो वी हैव ओपन लॉन स्पेस है. ओके ग्रेट. ठीक है. इसके अलावा मेरे पास इसके क्लब के अंदर, मैं दोबारा लेके आता हूँ आपको, बिजनेस सेंटर, मीटिंग रूम्स, मीटिंग लाउंज, कॉन्फ्रेंस हॉल, किड्स प्ले एरिया, क्रचेस, सैलॉन, स्पा, जिम और मल्टीपल एक्टिविटी एमिनिटीज काफी सारे हैं. या अगर मैं जिम की बात करूँ तो इसके अंदर मेरे पास जिम है वो जहीर खान का, आपने नाम सुना होगा. जहीर खान की अकेडमी है प्रो स्पोर्ट्स. ओके. प्रो स्पोर्ट्स का मेरा जिम है इसके अंदर. जहीर खान का जिम है. क्रच जो रहेगा इसके अंदर सफारी किड्स का क्रच है मेरा. उसके बाद क्रच को छोड़ के हम लोग इसमें स्पा में आते हैं,
वो मेरा तत्वा का स्पा है जो ताज होटल का है। ताज होटल वाला स्पा, तत्वा का तत्वा, ओके। रेस्टोरेंट है इसके अंदर आपका, फिर इसके बाद में आप रेस्टोरेंट कहाँ पे? ये रहा क्लब के अंदर, क्लब के अंदर रेस्टोरेंट भी होंगे, ओके। इट्स ओपन फॉर ऑल दी कस्टमर्स, इन केस किसी कस्टमर ने अपने अपार्टमेंट के अंदर भी फूड डिलीवर करवाना है, ऑर्डर करवाना है, तो दे हैव अ रूम सर्विस फैसिलिटीज आल्सो। अ पार्ट ऑफ दैट वी हैव अ मल्टीपल कबानास हियर, आपको कबानास देख रहे होंगे, इनको आप कबानास भी बोल सकते हैं, इनको आप सिट आउट एरिया भी बोल सकते हैं, इनको आप गजीबोज भी बोल सकते हैं। ये मेरे पास फॉरेस्ट ट्रेल में भी है और ये मेरे पास पोडियम लेवल पे भी है। ओके ओके, तो यू हैव बोथ द ऑप्शंस, आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ बैठ के आराम से एंजॉय कर सकते हैं। इफ यू वांट टू हैव लंच, डिनर, ब्रेकफास्ट, व्हाटएवर यू वांट टू हैव, यू कैन। ओके ओके, ये तो रही सोसाइटी के फ्लैट्स की बात, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये सोसाइटी इज नॉट अ सोसाइटी ओनली, इट्स अ वन स्टॉप शॉप। वन स्टॉप शॉप, वन स्टॉप शॉप का मतलब ये होता है कि आपको सोसाइटी के अंदर एवरीथिंग यू विल गेट। ये देखिए आपको रिटेल दिख रहा होगा, रिटेल दिख रहा है सोसाइटी के अंदर, मेरे पास 35 शॉप्स हैं, 35 शॉप्स, इट्स अ हाई स्ट्रीट रिटेल मार्केट। ओके, इसके साथ ही आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास एक नर्सरी स्कूल है, स्कूल भी है, नर्सरी स्कूल जो रन करेगा वो सफारी किट्स रन करेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था सफारी किट्स, सफारी किट्स, ओके। दे हैव अ स्कूल प्लस क्रच, एक क्रच हमारे पास बैंक थे अपना क्लब के अंदर भी है, और एक क्रच आपका स्कूल के अंदर, स्कूल के अंदर, उसी के साथ में डिस्पेंसरी देख रहे हैं आप, इट्स अ डॉक्टर्स क्लिनिक पूरा। अच्छा, तो एज आई सेड इट्स अ वन स्टॉप शॉप। सोसाइटी 11 एकड़ की आपको मैंने बताई, ये एक एंट्री, दो एंट्री, तीन एंट्री, एंड दिस इज द फोर्थ एंट्रेंस फॉर द रिटेल। ओके, बिकॉज रिटेल इज ओपन टू ऑल, ओपन टू ऑल, बट यहाँ पे दो बैरियर्स लग जाएंगे जिसकी वजह से जिसने भी आउटसाइडर रिटेल को यूज करने आएंगे दे कैन नॉट एंटर द सोसाइटी। अच्छा अच्छा अच्छा, फाइन फाइन फाइन, वेरी गुड। अभी हमारे पास जो सैंपल रेडी है वो है 3 BHK साइज का, वो है फेस वन का, जिसका साइज है 2088 स्क्वायर फीट का सैंपल है, 2088 स्क्वायर फीट 3 BHK सैंपल। एंड दी बेस्ट पार्ट क्या है सोसाइटी का, इस 11 एकड़ का लैंड में अगर आप मेरा ये पॉइंटर देखेंगे, इस पॉइंट से लेके मैं यू बनाऊंगा पूरा, ये यू पूरा बना है जो ये लाइफ टाइम तक ओपन रहना है, बिकॉज ये तीनों कॉर्नर पे कोई हाई राइज नहीं है, नहीं है। हाई राइज आएगी वो आएगी उस तरफ, उस तरफ, okay. उस तरफ मेरे फ्लैट की, मेरा सिर्फ एक ही टावर है, टावर नंबर 1 के 4 फ्लैट होते हैं, और अगर मैं उसमें भी बात करूं कि हाई राइज सोसाइटी जो आएगी वो भी कम से कम 25 से 30 मीटर की दूरी पे रहेगी, मोर देन दैट, क्योंकि बीच में ग्रीन बेल्ट भी है, ग्रीन बेल्ट भी है, एंड रेस्ट ऑफ द सोसाइटी इज लाइफ टाइम ओपन, चाहे आप इंटरनल फेसिंग फ्लैट लेते हैं तो व्यू आपकी मतलब हमेशा बरकरार रहेगी। ओके ग्रेट, और एक और चीज मैं बताना भूल गया आपको, सोसाइटी में मेरे पास 1100 के करीब फ्लैट्स रहेंगे, 1100 के करीब फ्लैट हैं, बट आप देख रहे हैं टू केटर 1100 फैमिलीज आई हैव अ 3 पूल्स हियर, एक दो एंड तीन, बट ये जो थर्ड पूल आप देख रहे हैं दिस इज डेडिकेटेड फॉर टावर नंबर 9 एंड टावर नंबर 10, ओके, ये डेडिकेटेड पर्सनलाइज पूल, ओके ओके, अ पार्ट ऑफ दैट इनका क्लब भी सेपरेट रहेगा, आप थोड़ा सा इधर अगर आएंगे तो ये देखिए, ओके, ग्राउंड फ्लोर पे दे हैव अ सेपरेट क्लब, ओके, सेपरेट क्लब भी इनका है, 7000 स्क्वायर फीट के करीब का क्लब आएगा इनका, व्हिच इज एक्सेसिबल बाय दीस टू टावर, उसके अंदर जिम मेरे पास रहेगा, टीम रूम रहेगा, मीटिंग रूम्स रहेंगे, एंड योर रेस्टोरेंट रहेगा, बिजनेस सेंटर रहेगा, ये सारी फैसिलिटीज आपके मिलेंगे इसके अंदर। ओके ओके ग्रेट, इसके अलावा मैं एक और चीज आपको एड ऑन करना चाहूंगा जो हम लोगों ने क्लब के अंदर ऐड करी है, कॉन्सियर्ज सर्विसेज। ओके, कॉन्सियर्ज सर्विसेज के अंदर क्या रहता है, आपने होटल्स के अंदर देखा होगा देयर इज अ कॉन्सियर्ज डेस्क, जो क्या करते हैं आपको इफ यू रिक्वायर एनीथिंग लाइक कार असिस्टेंस, योर एयरपोर्ट बुकिंग, होटल बुकिंग, या कुछ ड्राई क्लीनिंग सर्विसेज, वट एवर यू रिक्वायर दे विल डू इट फॉर यू, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट, यू जस्ट नीड टू गिव अ कॉल टू अ कॉन्सियर्ज टीम, दे विल बुक इट फॉर यू। कॉन्सियर्ज का जो हमारा टाई अप है वो है क्विंट एसेंशियल से, इट्स अ यूके बेस्ड कंपनी, इंटरनेशनल ब्रांड, ठीक है, और जो क्लब है हमारा पूरा का पूरा जो मैनेज करेगा, पूरा क्लब आई एम टॉकिंग अबाउट, वो करेगा स्प्री हॉस्पिटैलिटी। ओके, अब मैं आपको एक बार यहाँ ना सैंपल फ्लैट दिखा देता हूँ, उसके बाद एक फॉरेस्ट ट्रेल का विजिट कर लेंगे।